दोस्तों, एचआर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मसाला चाय जो है कैसे बनती है। जो देखिए, मसाला चाय के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, दो छोटी इलायची चाहिए होंगी, एक बड़ी इलायची चाहिए और एक मुझे छोटा सा पीस चाहिए दालचीनी का। इसको मैंने पीस के कुछ पाउडर ऐसा बना लिया है, ये पीस के, और पत्ती चाहिए मुझे और चीनी चाहिए। ये देखिए, मैंने एक कप पानी लूंगी, एक कप पानी इसमें डाल दूंगी। ये मैंने गैस ऑन कर दी है, अब मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए, मेरे को दो कप बनाने हैं तो ये मैं एक चम्मच जो है, एक चम्मच मैंने डाल दी है पत्ती। देखिए, ये वाला एक छोटा चम्मच मैंने पत्ती डाल दी है। अब मैं थोड़ा सा इसको उबलने दूंगी। ये देखिए, मेरी चाय जो है, पानी और चाय पत्ती उबलनी स्टार्ट हो गई है। अब मैं जो पिसा हुआ मेरा मसाला था इलायची का, वो इसके अंदर डाल दूंगी। ये भी इसके अंदर उबल जाएगा अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दूंगी शुगर, ये वाले जो है 3 चम्मच मेरे शुगर चले जाएगी इसके अंदर। चीनी ना बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी। आज ये मैं डाल दूंगी 1 कप दूध, 1 कप मैंने पानी डाला था तो 1 कप मैं इसमें दूध मिक्स कर दूंगी। इसको मैं उबालूंगी। ये मेरी चाय जो है उबलनी स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट तक उबालूंगी इस चाय को अच्छे से, जैसे इसका कलर पत्ती का जो है अच्छे से आ जाए। चाय हमें तब तक पकानी चाहिए जब तक ये झाग जो ऊपर आ रही है वाइट वाइट, ये जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक हमें चाय पकानी चाहिए। ये देखिए, अभी ब्राउन होनी स्टार्ट हो गई है, जो ऊपर वाइट वाइट झाग आती है तो उसको हम अच्छे से पका लेंगे चाय को। ये देखिए, मेरी चाय जो है अच्छे से पक चुकी है और इसका कलर भी अच्छे से आ गया है। अब मैं चाय को छानने जा रही हूँ। ये देखिए, मैं चाय को, मेरे पास एक छोटी सी कैटली है, मैं उसमें चाय को छान लूँगी। ये इस तरीके से मैंने चाय को छान लिया है। अब मैं इनको कपों में डाल दूँगी। ये देखिए, मेरी चाय जो है मैंने छान ली है। अब मैंने इनको कप में डाल दिया है इस तरीके से। जी, मेरी चाय जो है रेडी हो गई है। साथ में मैंने थोड़ा सा नाश्ता रखा है और थोड़ी सी मेरी चाय बच गई तो मैंने छोटी केटली में भर ली है। जो किसी और को चाहिए होगी तो पी सकता है और चाय। जे आप लोगों को मेरी मसाला चाय पसंद आया, आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, कमेंट ज़रूर डालिएगा।